जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो आज बात करने वाले हैं आप लोगों के कुछ कमेंट IFB वॉशिंग मशीन के बारे में। तो ये एक तरीके का जो वीडियो है वो रिप्लाई है जो कमेंट लोग करते हैं IFB वॉशिंग मशीन के बारे में। तो सबसे पहली और अहम बात करना चाहूँगा कि आपको कभी भी कोई भी वॉशिंग मशीन जो आप यूज़ करते हैं, IFB है जो मतलब ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन होती है, उनके लिए कभी भी कोई भी स्टैंड उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपको नुकसान हो सकता है, इसका मैं आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि IFB वॉशिंग मशीन के बारे में। पहले मुझे सवाल किया गया था कि जो इसके सस्पेंशन होते हैं, शोकर होते हैं, तो वो अगर नए लगवाते हैं तो उनका प्राइस क्या होता है। तो लगभग 4 सस्पेंशन जिसके अंदर लगे होते हैं, इससे पहले मैंने वो वीडियो बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं या फिर आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो सस्पेंशन लगे होते हैं जिसकी वजह से ये ड्रम रोटेटिंग करता है, जो बैलेंस बना रहता है, तो उनका लगभग अलग अलग प्राइस आपको 1000 से लेके 1500 रुपये तक के बीच में मिल जाएगा। अगर कोई कंपनी वाला चार्ज करता है तो मतलब आप समझ सकते हैं, कोई आपने जैसे इसकी गारंटी पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद में कंपनी वाले चार्ज करेंगे, उसके अलावा अगर ये गारंटी पीरियड में है तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर फिर भी पैसा देना पड़ता है तो कोई ना कोई आपकी कमी होगी, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और देखिए कि जो इस तरीके का जो एक कैप आते हैं, आपने नीचे की तरफ देखो, कई बार क्या होता है कि जो वॉशिंग मशीन होती है वो बैलेंस ही नहीं रहती, मतलब ऐसे रखी हुई है लेकिन जो अनबैलेंस है उसकी वजह से इसका ड्रम खराब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉशिंग मशीन हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप ये इमेज देख लीजिए अमेजोन पे या कहीं भी जाके, इसके ये जो नीचे के एक तरीके के कैप से होते हैं, कैप रख सकते हैं। कैप रखने के बाद में उसको वॉशिंग मशीन को उसके ऊपर स्टैंड कर दीजिए, मतलब जो नीचे की तरफ एक प्लास्टिक के रबड़ से होते हैं उसकी वजह से क्या होती है, एक तो वॉशिंग मशीन हिलती नहीं है और जो इसको एडजस्ट किया जा सकता है वॉशिंग मशीन को, उससे इसका बैलेंस, अगर आप वो नहीं ले सकते फिर भी आपकी प्रॉब्लम है तो मैं आपको वीडियो के लास्ट के अंदर फिर से बता दूंगा किस तरीके से आप वॉशिंग मशीन का बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं, उसके अंदर भी आपने शायद देखा हो। तो अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि आपको वॉशिंग मशीन का जो स्टैंड है वो क्यों नहीं लेना है। तो कंपनी ये कहती है, जो मैंने कई कस्टमर से बात की या फिर कस्टमर केयर वालों से भी बात की, तो वो कहते हैं कि अगर जो कस्टमर है वो वॉशिंग मशीन, देखो वॉशिंग मशीन का वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसके नीचे लगा देता है वो जो स्टैंड लगा देता है। स्टैंड क्यों लगाते हैं, ताकि हम वॉशिंग मशीन को आगे पीछे खिसका सकें, ठीक है। और ये देखो, ये वॉशिंग मशीन है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसको आपको एकदम स्टेबल रखना चाहिए, मतलब इस तरीके से सेट करके रखना चाहिए कि ये हिले ना। आप इसीलिए तो हम है ना, जो वाटर के कनेक्शन होते हैं उसको फिक्स करके या इस तरीके से बनाते हैं ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा खिसकाना ना पड़े। तो अगर वॉशिंग मशीन ज़्यादा हिलती है या खिसकती है या फिर ऐसे कुछ होता है तो उसकी वजह से इसके शोकर खराब हो सकते हैं। अगर आपने जो टायर वाले जो एक स्टैंड परचेज कर लिया, मान लो ऑनलाइन 2000 रुपये का, 1500 रुपये का, इतना ऑनलाइन मिल जाता है, पैसे भी लगाओ उसके बाद में नुकसान भी उठाओ, तो वो स्टैंड परचेज करने के बाद में हमने इसके नीचे स्टैंड लगा दिया और उठा के वॉशिंग मशीन उसके ऊपर रख दी। अब देखो वॉशिंग मशीन वाइब्रेट करेगी, देखो इसका जोर लगता है, जो ड्रम घूमता है उसके वजह से वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने से क्या होगा, जो स्टैंड है तो वो भी हिलेगा, मतलब स्टैंड अपनी जगह से थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगा, उसकी वजह से भी वॉशिंग मशीन का बैलेंस बिगड़ सकता है, सिस्टम बिगड़ सकता है। तो कंपनी ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो वारंटी या गारंटी पीरियड के अंदर है, वॉशिंग मशीन के अंदर स्टैंड लगाता है, स्टैंड लगाने के बाद में उसके शोकर खराब होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर शोकर खराब होता है तो उसकी वारंटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि स्टैंड की वजह से ही शोकर अक्सर खराब होते हैं, तो उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी और उसके शोकर के आपको पैसे देने पड़ेंगे, सस्पेंशन के आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए आपको जरूरत नहीं है वॉशिंग मशीन में किसी भी तरीके का कोई स्टैंड लगाने की। ये फिक्स वॉशिंग मशीन होती है, इसको एक जगह फिक्स करके रख दें और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे यूज करें। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको किस तरीके से जो नीचे के वॉशिंग मशीन के जो एक घूमने वाले एक तरीके के एडजस्टमेंट दिए होते हैं,
तो उसको किस तरीके से सेट करना है पहले भी मैंने वीडियो में बताया, तो मैं आपको पास से दिखा देता हूं। तो ये आप देख पा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो इसके नीचे कोई चीज लगा के या फिर उठा के इसको घुमा के एडजस्ट किया जा सकता है। अगर फिर भी आपको कोई ज्यादा मतलब है ना लेवल ज्यादा खराब है, तो ये मैंने कैप आपको दिखा दिए हैं एक तरीके के एडजस्टेबल, तो ये भी आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो उसको उसके इसके नीचे लगा के फिर से दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये चारों इस तरीके से आपको एडजस्ट करने हैं कि आपका जो वॉशिंग मशीन का जो ये लेवल है, आपको शायद दिखाई दे रहा हो, ये जो डॉट है ये इस रेड लेवलर के अंदर ही रहना चाहिए, तभी आपकी वॉशिंग मशीन सही तरीके से काम करेगी। अगर ये बाहर निकलता है तो आपकी वॉशिंग मशीन का बैलेंस सही नहीं है, तो आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों अपनी वॉशिंग मशीन का ध्यान रखें, IFB वॉशिंग मशीन या सैमसंग कोई भी मर्जी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो, तो आप उसके नीचे स्टैंड ना यूज़ करें, पैसे का नुकसान हो गया, उसके बाद में कोई खराबी होती है, अनबैलेंस होती है, तो उसकी वजह से वारंटी वॉइड हो जाएगी, गारंटी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको इसका कुछ भी जो हर्जाना नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अपनी तरफ से पैसे दे के वो काम करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियो बनाता रहता हूँ, कोई जागरूक वीडियो जिससे आपको वॉशिंग मशीन के बारे में नई जानकारी मिल सके। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और फिर से मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।